नमस्कार। केस लॉ की अपनी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की दो इंपॉर्टेंट केसेस को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। पहली केस भारत के शोमैन राज कपूर की है। राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण का मुकदमा आया था 1980 में। 1980 के इस मुकदमे में राज कपूर ने चैलेंज किया था। राज कपूर ने एक पिक्चर बनाई थी सत्यम शिवम सुंदरम, और सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर ऑब्सेनिटी के आरोप लगे थे राज कपूर के ऊपर। उन्होंने इस क्रिमिनल चार्जेस के खिलाफ, इस एक्टिवेशन के केस क्रिमिनल मुकदमे के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे इस मुकदमे में, जिसका नाम राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण। इस मुकदमे का एक बार फिर से इस्तेमाल किया गया 2014 में। जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था राज कपूर के फेवर में, उसको इस्तेमाल करना चाहा सुशील बंसल ने। ये सुशील बंसल कौन है? आपको उपहार सिनेमा याद होगा, एक वो सिनेमा ग्रह जहां पर की आग लगी, जहां पर बहुत ज्यादा मौतें हुई। उस सिनेमा घर को फिर से खोलने के लिए राज कपूर के फैसले का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई सुशील बंसल के द्वारा, और यह इस्तेमाल किया जाना था 2014 में। यहां सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 79 द एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, जो इंडियन पेनल कोड में है, जो आपके जनरल एक्सेप्शंस में आता है, इसकी एनालिसिस की है। तो शुरू करते हैं राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण एंड सुशील बंसल वर्सेस द स्टेट 2014। अब जरा राज कपूर के मुकदमे को समझिए कि राज कपूर जो थे ये प्रोड्यूसर थे सत्यम शिवम सुंदरम के। इन्होंने एक मूवी बनाई सत्यम शिवम सुंदरम। अब इस मूवी को जो बोर्ड बैठता है, आप सीधे सीधे कहिए जो सेंसर बोर्ड ने अपनी परमिशन ग्रांट की थी, सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट किया था। और ये जिस एक्ट में सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसे कहते हैं सिनेमेटोग्राफिक एक्ट। सिनेमेटोग्राफिक एक्ट, इसके अंतर्गत इन्हें सर्टिफिकेट दिया गया था कि आप इस फिल्म का प्रदर्शन कर सकते हैं। जब यह फिल्म रिलीज की गई तो राज कपूर के ऊपर इंडियन पेनल कोड सेक्शन 292 के चार्ज लगाए गए, आईपीसी सेक्शन 292। कहा गया कि यह फिल्म जो है ऑब्सीन है। इस फिल्म में कुछ दृश्य थे जिसे यह कहा गया कि यह ऑब्सीन फिल्म है, और ऑब्सीन फिल्म बनाने के लिए, ऑब्सेनिटी के लिए चार्ज किया गया राज कपूर के ऊपर। अब राज कपूर ने इस चार्ज को चैलेंज किया, वो डरे नहीं, उन्होंने सामने सामने फेस किया और कहा कि जब सेंसर बोर्ड ने, जो कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है इस मामले में कि कोई पिक्चर दिखाए जाने योग्य है या नहीं है, और सेंसर बोर्ड ने सिनेमेटोग्राफिक एक्ट के अंतर्गत मुझे सर्टिफाई कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि इस फिल्म का प्रदर्शन किया जा सकता है, तो फिर आईपीसी सेक्शन 292 के चार्जेस कहां बचते हैं, ऑब्सिनिटी कहां मानी जाएगी, और ऑब्सिनिटी को आप कौन सी नजर से देखते हैं, यह भी चीज उन्होंने उठाई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां जो कोटेशन हेल्ड की है वो मैं आपके सामने ज्यों का त्यों रख रहा हूं, फिर इसकी मीनिंग बताएंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुरिस्प्रूडेंशियली व्यूड एन एक्ट मे बी एन ऑफेंस डेफिनेटली स्पीकिंग, बट ए फॉरबिडन एक्ट मे नॉट स्पेल इनविजिबल गिल्ट इफ द लॉ इटसेल्फ डिक्लेयर्स दैट इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट रिगार्डेड एज ऑफेंस। हियर द पिटिशनर गॉट द सर्टिफिकेट बाय सेंसर बोर्ड, देन ही एक्ट ऑन बोनाफाइड बिलीफ दैट द सर्टिफिकेशन जस्टिफाइज द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ हिज फिल्म। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह डिक्लेयर किया अपने जजमेंट में कि अगर लॉ ने खुद से कह रखा है कि किन्हीं स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत कोई एक्टिविटी ऑफेंस की तरह नहीं ट्रीट की जाएगी, और अगर वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस दिखाई देती हैं तो फिर उन्हें हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। अब यहां राज कपूर के फैसले में, जब सेंसर बोर्ड को बनाया ही इसीलिए गया कि वो ये देखें
कि क्या फिल्म प्रसारित करने योग्य है या नहीं, उसको यू सर्टिफिकेट दे रहे हैं या उसे एडल्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अगर उसे सर्टिफिकेशन उन्होंने कर दी है कि इसे दिखाया जा सकता है, किसी भी आयु वर्ग को दिखाया जा सकता है, तो जब यहां लॉ ने खुद ही परमिशन ग्रांट कर दी कि आप सेंसर बोर्ड से अगर परमिशन ले आइए उसका प्रचार प्रसार किया जा सकेगा, वहां अगर राज कपूर ने इसे प्रसारित किया, इसे लगवाया सिनेमा हॉल्स में, तो क्या गलत किया? और भले ही कुछ लोगों को कुछ सीन जो है वो ऑब्सीन लगते हो, लेकिन उसके बाद भी जो इस ऑब्सीनिटी को चेक करने के लिए कि मूवीज में ऑब्सीनिटी है किस लेवल तक है, हिंसा किस लेवल तक है, इन बातों को चेक करने के लिए ही सेंसर बोर्ड बैठा है। और अगर सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन कर दिया है तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने राज कपूर के खिलाफ जो प्रोसीडिंग कह लीजिए 292 की थी उसे क्वेश्चन कर दिया, उसे हटा दिया। अब देखिए राज कपूर का वो डिसीजन कैसे इंपॉर्टेंट बन गया। यहां तक तो चलिए सत्यम शिवम सुंदरम, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद जानते भी ना हो कि आखिर ये फिल्म थी क्या, आज की अगर पीढ़ी की बात करें। लेकिन अब ये जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इस जजमेंट का इस्तेमाल करना चाहा सुशील बंसल ने। अब सुशील बंसल वर्सेस स्टेट के मुकदमे में सुशील बंसल ने क्या किया, उपहार सिनेमा, यहां पर इस सिनेमा हॉल में आग लगी, वहां पर सुरक्षा के कुछ मानक पूरे नहीं किए गए थे, काफी मौतें हुई। कुछ साल बाद इन्होंने क्या किया, 2014 में इन्होंने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुशील बंसल जो कि ओनर्स में से एक ओनर थे, इन्होंने ये कहा कि देखिए जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं इन्होंने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, हम अपने लाइसेंस पिक्चरों को मूवीज को दिखाने का जो लाइसेंस है हम उसे समय समय पर रिन्यू करते जा रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप मतलब विजडम जर्नलिस्ट का फॉर्मूला लगाइए कि जो डिसीजन आपने सत्यम शिवम सुंदरम या कहिए राज कपूर के केस में दिया है कि अगर लॉ कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किसी बात को परमिट करता है तो हम उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे, तो यहां जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमारे फेवर में मिल गए हैं, लाइसेंस हमें हम समय समय पर अपना रिन्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने हॉल के अंतर्गत मूवी चला सकते हैं, मूवी दिखा सकते हैं, और हम ये अगर दिखाएं तो ये सेक्शन नंबर 79 ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो क्लेम करना था, जो क्लेम उठाया था, जो अपना ग्राउंड उठाया था, वो आईपीसी के सेक्शन नंबर 79 का सहारा लिया। अब 79 क्या है, 79 कहता है कि कोई भी बात ऑफेंस नहीं मानी जाएगी अगर वो जस्टिफाइड बाई लॉ है। सेक्शन 76 में जब आप देखते हैं कि पर्सन बाउंड बाई लॉ है, और सेक्शन 79 में आते हैं तो वहां है जस्टिफाइड बाई लॉ, तो अगर आपकी एक्टिविटी जस्टिफाइड है तो वो चीज ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं मानी जाएगी। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कराना चाहते थे सेक्शन 79 इंडियन पेनल कोड में। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां राज कपूर के डिसीजन में, राज कपूर में जो उन्होंने तर्क दिया था, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तर्क गलत है, हाँ उस तर्क को यहां सुशील बंसल के केस में लागू करने से उन्होंने मना कर दिया और नया ग्राउंड वो लेके आए। कहते क्या, सुप्रीम कोर्ट डिनाइड सच ग्राउंड एंड हेल्ड बीइंग ऑक्यूपायर ऑफ ए सिनेमा हॉल यू आर बाउंड यू आर अंडर द ड्यूटी टू टेक केयर फॉर सेफ्टी ऑफ पर्संस विच यू ब्रीच्ड, जिसको कि आपने क्या किया है, उल्लंघन किया है। ग्रांट ऑफ लाइसेंस और इट्स रिन्यूअल इन नो मैनर रिलीव्ड द अपीलेंट्स ऑफ देयर ड्यूटी टू टेक केयर। आपको लाइसेंस मिल गया, आप उसका रिन्यू करा रहे हैं, आपको एनओसी मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है साहब कि जो ड्यूटी आपकी बनती है वो ड्यूटी आप नहीं निभाएंगे। और यहां ड्यूटी क्या बनती है, अगर आप ऑक्यूपायर ऑफ द सिनेमा हॉल है तो जो भी लोग आपकी मूवीज को देखने आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के पैमाने, उनकी सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की ड्यूटी आपकी बनती है। सुप्रीम कोर्ट आगे कहती है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कांट बी जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं तो वहां सिर्फ इसलिए कि आपने लाइसेंस का रिन्यूअल करा लिया है, हम वहां पर इस तरह के आपके लाइसेंस रिन्यूअल के ग्राउंड पर आपकी ड्यूटी के ब्रीच करने को जस्टिफाई नहीं कह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सुशील बंसल जो चाहते थे वो मना कर दिया, वो डिनाई कर दिया उन्हें परमिशन ग्रांट करने से। तो ये दो केसेस आपके सामने, राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण जिसमें ऑब्सिनिटी की बात उठी,
लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया रखा कि सेंसर बोर्ड इसीलिए बनाया गया है और सेंसर बोर्ड ने अगर सर्टिफिकेशन दे दी है तो वहां पर यह माना जाएगा कि भले कुछ लोगों को समाज के एक छोटे से वर्ग को लगता भी हो कि यह पिक्चर ऑब्सीन है, फिर भी राज कपूर ने जो काम किया, जो उन्होंने सिनेमाघरों में इसका प्रदर्शन कराया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। वो बोनाफाइड वर्ड्स को लेकर के वो इंटरप्रेट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यह बोनाफाइड एक्टिविटी है। 292 के जो उनके ऊपर चीजें चलाई जा रही थी उसे क्वेश्चन कर लिया। अब राज कपूर के डिसीजन को यूज करना चाहा था सुशील बंसल ने, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई करते हुए कहा कि आप लाइसेंस का रिन्यू कराते हैं या लाइसेंस का रिन्यू करा रखे हैं, आपको नो ऑब्जेक्शन मिला हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप ड्यूटी ब्रीच करने का अधिकार रखते हैं। केस लॉ के अपने लेक्चर सीरीज में किसी और मुकदमे के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।